जब अटल जी की सरकार थी 21वीं सदी का प्रारंभिक वर्ष था और 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, जो ब्रिक्स कंसेप्ट आया, उस ब्रिक्स कंसेप्ट में डेवलप कंट्रीज के बाद बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई, विकास की संभावना वाले देशों में ब्रिक्स में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज हम वहाँ से किनारा हो गए। ये 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बाहर भी लोग हमें एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रहे थे। एक प्रकार से लगता है कि हमने पूरा ये डेकेड हमने गंवा दिया और इसलिए हमको फिर से एक बार वहीं से शुरू करने की नौबत आएगी ऐसा लगता है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, नेता विहीन हो, नीति विहीन हो और नियत भी शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे जो आज हम भुगत रहे हैं। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है देश ने कभी नहीं। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, भाइयों बहनों ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम जब डेफिसिट की ओर देखें तो कहां कहां पर जाकर के हम रुकेंगे। इट्स नॉट सिंपली फिस्कल डेफिसिट, गवर्नेंस में डेफिसिट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक वाइब्रेंसी चाहिए उसमें डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मॉरल डेफिसिट है और बिजनेस के लिए जो ईज एनवायरनमेंट चाहिए, ईज एनवायरनमेंट, वो भी डेफिसिट है, सिक्योरिटी डेफिसिट है।